बुधवार को नगर निगम शिमला के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रिज मैदान के आसपास खुद झाड़ू उठाकर सफाई की। स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा जगह जगह बिखेरी गंदगी को साफ करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा ये अभियान चलाया गया है। पहाड़ों की रानी शिमला में टूरिस्ट सीजन के बीच हर जगह गंदगी का आलम है। इसे देखते हुए प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बुधवार सुबह शिमला नगर निगम के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते हुए रिज मैदान और आसपास के क्षेत्र में खुद झाड़ू उठाकर सफाई की। इस दौरान शिमला नगर निगम की महापौर, उप महापौर समेत नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की रानी शिमला में मैदानी इलाकों से लाखों की तादाद पर्यटक पहुंचते हैं, जो प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और इसी तरह के कई उत्पाद खुले में फेंक कर चले जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सैलानियों द्वारा शहर में बिखेरी गई गंदगी को साफ करने के मकसद से शिमला नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान छेड़ा है, जिसमें निगम प्रशासन के अलावा राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए। राज्यपाल ने पर्यटक स्थल रिज मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। राज्यपाल ने निगम प्रशासन को शहर को साफ रखने के लिए सख्ती बरतने और आम जनता और सैलानियों से शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपना सहयोग देने का आह्वान किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत शिमला में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम, महापौर, उप महापौर और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए आगे भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे। रिज मैदान के पीछे जो प्रदूषित एरिया था, यहाँ पर बहुत सैलानी आते हैं और वो कूड़ा कचरा भी फेंक जाते हैं, तो आज हमारी महापौर, उप महापौर और अधिकारी साथ में मिलकर के, हम सब ने मिलकर के यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया है और इस प्रकार के स्वच्छता अभियान भविष्य में भी चलते रहेंगे, ताकि हमारा शिमला नगर एक स्वच्छ बना रहे और सब लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण यहाँ पर मिल सके। सफाई अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की समस्त देश के लिए एक योजना कि पूरा देश स्वच्छ बने, पवित्र बने, बीमारी से मुक्त हो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और उनको देखने में सब कुछ अच्छा लगे, इस दृष्टिकोण से लेकर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज का अभियान चलाया गया और ऐसे अभियान भविष्य में भी चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।